नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। दोस्तों आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत इस तरह से दिखती है और यहाँ सब्सक्राइब बटन रहती है। दोस्तों आप सभी को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और इससे ही आपको पता है कि मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहती है और आप सभी को यही पता है कि ये सब्सक्राइब करना पूर्णतः निःशुल्क है। तो दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के अंतर्गत हम किस प्रकार से टेक्निकल अप्रूवल, एडमिन अप्रूवल, फंड्स ईयरमार्क, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग और एक्टिव आउटपुट का संशोधन या मॉडिफिकेशन कर सकें या मैनेजमेंट कर सकें, मैनेज कर सकें। मतलब यदि हमने एक बार किसी कार्य को की टीएस कर दी है और एएस कर दी है और फंड ईयरमार्क कर दिया है तो उसमें हम चेंजेस किस प्रकार करें। मान लीजिए हमने कोई सा कार्य लिया और हमें बाद में लगा कि इसकी टीएस कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए या एएस कम ज़्यादा होना चाहिए या फंड्स ईयरमार्क जो फंड रिलीज करते हैं वो कम ज़्यादा होना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं किस प्रकार से हम कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों कुछ हद तक आपको यह भी पता चल जाएगी फंड्स ईयरमार्क की जीरो प्रॉब्लम अब यहाँ शो नहीं होगी। आपको उसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा किस तरह से वो जीरो शो अब नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि मैनेजमेंट किस प्रकार से करें या मॉडिफिकेशन या संशोधन किस प्रकार से हम टीएस एएस और फंड्स ईयरमार्क सारी प्रोसेस में करें। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को पता है हमारे पास तीन लॉगिन है, एडमिन लॉगिन, मेकर लॉगिन और चेकर लॉगिन। तो दोस्तों हम सबसे पहले आज लॉगिन करेंगे एडमिन लॉगिन से, ठीक है। तो ये मैंने एडमिन लॉगिन से यहाँ एडमिन लॉगिन का यूजर नेम पासवर्ड डालकर मैंने लॉगिन कर लिया है, तो ये मेरी जो स्क्रीन है एडमिन लॉगिन की आ गई है। अब दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि हमें टीएस करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर। तो मैं दोस्तों यहाँ ऑप्शन पर जा रहा हूँ, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने क्लिक किया, ये दोस्तों आज का वीडियो बिल्कुल लाइव है तो आप शुरू से आखिरी तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर मैं गया, इसके बाद मैं जाऊँगा टेक्निकल अप्रूवल, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए मैंने टेक्निकल अप्रूवल पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो ये ऐड और मैनेज ऑप्शन आ चुके हैं। अब आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मैनेज ऑप्शन किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने टीएस में कुछ अमाउंट दिया था, अब हमें लग रहा है कि उससे ज़्यादा अमाउंट हमें ज़रूरत है, तो हम टीएस में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए किस प्रकार से मॉडिफिकेशन करेंगे, मैं मैनेज ऑप्शन पर जा रहा हूँ, मैंने क्लिक किया मैनेज ऑप्शन पर। बिल्कुल लाइव वीडियो है दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा आखिरी तक, आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ में आएंगे किस प्रकार से हम इस कार्य को कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ लिखा गया मैनेज टेक्निकल अप्रूवल। अब दोस्तों यहाँ लिखा गया एक्टिविटी टाइप, तो मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मेरा पब्लिक वर्क्स है जिसकी मैंने पहले टीएस करी थी तो मैं इसी पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद ये दो क्लिक करने जरूरत नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये एसटी का, तो ये वाला सेलेक्ट करना जरूरी है। अब हम क्लिक करेंगे गेट डाटा पर, ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब ये दोस्तों मैंने गेट डाटा पर क्लिक कर दिया है इस समय, अब हमारे पास सामने स्क्रीन हम देखते हैं क्या दिख रही है। जैसे ही गेट डाटा पर क्लिक किया दोस्तों तो ये देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, जितनी भी हम टीएस पहले कर चुके हैं उनके यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों ये पहला जैसे आ रहा है ये एक्टिविटी कोड, एक्टिविटी नेम आ रहा है। अब देखिए जैसे मैंने इसमें ग्राम पंचायत की साफ सफाई कार्य इसमें मैंने लिख दिया था कि नॉट रिक्वायर्ड फील्ड में, तो इसमें ना टीएस में ना तो मॉडिफाई दिखेगा ना व्यू दिखेगा क्योंकि इसकी टीएस हमने फिल नहीं करी, क्योंकि टीएस में भी दो ऑप्शन आते हैं कि नॉट रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड, किसी कार्य को रिक्वायर्ड जरूरी है टीएस या नहीं, तो हमने नॉट रिक्वायर्ड करा था तो यहाँ ऑप्शन नहीं आएगा। अब नीचे वाले की मैंने टीएस करी थी सेकंड नंबर वाले की, ये देखिए इसकी मैंने टीएस करी थी तो यहाँ दोस्तों ये टीएस नंबर भी ऑर्डर नंबर व्यू यहाँ व्यू करके देख भी सकता हूँ मैं पहले टीएस क्या थी और यहाँ मॉडिफाई ऑप्शन पर मॉडिफाई कर दूंगा। तो व्यू पे एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही व्यू पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारे सामने क्या स्क्रीन आती है तो हम इस प्रकार देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल साफ साफ सामने हमारी टीएस जो हमने पहले अप्रूव करी थी वो आ गई है, जैसे पशुओं के पानी पीने हेतु संरक्षण निर्माण जैसे प्रपोज कास 8000 हमने लिखा था, ठीक है दोस्तों। अब जैसे टेक्निकल अप्रूव हमने कितना किया वो जाएगा, ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी जाएगी, टेक्निकल अप्रूवल ऑर्डर नंबर जाएगा, ये एस्टिमेटेड मेन डे इसमें जीरो थे तो अभी नहीं आ रहा है, टेक्निकल अप्रूवल डेट जाएगा किस दिन हमने किया था, या अटैच फाइल हम इस पर क्लिक करके अटैच फाइल भी देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं क्लोज पर क्लिक करता हूँ, मॉडिफिकेशन ऑप्शन पर हम जाते हैं। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल लाइव चल रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हम फिर से प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर जाते हैं, टेक्निकल अप्रूवल,
और मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। वही मैनेज ऑप्शन पर हमने क्लिक किया और अब हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे एक टू डी टाइप का, तो ये मैंने पब्लिक वर्क्स किया और गेट डाटा पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अभी हमने व्यू वाला ऑप्शन समझ लिया है, हमारी पुरानी TS क्या हमने फीड करी थी वो देख चुके हैं, ये सेकेंड नंबर के ऑप्शन पर मैंने आपको समझाया था। अब दोस्तों ये व्यू ऑप्शन समझ चुके हैं हम, अब हम मॉडिफाई ऑप्शन पर जाएंगे। ये देखिए मैं मॉडिफाई ऑप्शन पर जा रहा हूँ, इस पर अब मैं क्लिक करने वाला हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक करा तो देखिए दोस्तों यहाँ लिखा गया, आर यू श्योर यू विश टू मॉडिफाई डिटेल्स, क्या आप श्योर हैं कि आप डिटेल्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ ओके। तो देखिए दोस्तों जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया तो यहाँ सामने आ जाएगा एक्टिविटी कोड आ जाएगा, एक्टिविटी नेम आ जाएगा, प्रपोज कास्ट जैसे 8000 थी, अब टेक्निकल कास्ट अप्रूव कास्ट जैसे पहले 9000 मान लीजिए किए थी इसकी TS, तो अब जैसे मुझे यहाँ चेंज करना है मुझे 12000 करना है, 12000 करना है। प्रपोज कास्ट भली 8000 थी लेकिन अब मैं टेक्निकल अप्रूवल कास्ट कितनी कर रहा हूँ 12000 है ना। मुझे लगा कि यार इसके TS में काम ज्यादा हो रहा है और इसकी TS चेंजेस होना चाहिए, तो पहले तो हम मैनुअली चेंज करा लेंगे हमारे इंजीनियर साहब से, हमारे AE साहब से, जो भी जिन्होंने भी TS करी उनसे पहले तो मैनुअली हार्ड कॉपी में चेंज करा लेंगे TS कि जैसे इसमें काम ज्यादा हो रहा है तो उसका TS वहां पर चेंज करा लेंगे, उसके बाद यहाँ ऑनलाइन हम फिट कर देंगे। मान लीजिए ये मैं आपको एक डेमो के रूप में बता रहा हूँ, आप किसी भी कार्य को इस प्रकार कर सकते हैं, एक डेमो बता रहा हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए 8000 प्रपोज कास्ट थी, पहले हमने उसकी जो TS भी कर दी वो 8000 पे कर दी, अब हमें लग रहा है कि इस पे ज्यादा कार्य ज्यादा पैसे खर्च हो रहे, तो हमने TS पहले तो हम जो मेन अथॉरिटी है मतलब हमारे इंजीनियर साहब जो मेन अधिकारी हैं उनसे हम चेंज करा लेंगे हार्ड कॉपी में, फिर हम ऑनलाइन फिट करेंगे। तो मान लीजिए इसके ऐसे 12000 TS अप्रूव कास्ट भी, तो यहाँ मैंने 12000 फिल कर दिया, आर्डर इशूइंग अथॉरिटी वही है यही, टेक्निकल अप्रूवल आर्डर नंबर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे ये 0BH021 था हम और इसमें जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए 5 जोड़ दिया। टेक्निकल अप्रूवल डेट, अब डेट हम जैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, जैसे मान लीजिए 6 जून थी, हमें लग रहा है कि आप चेंजेस हुए हैं तो हम इसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जैसे ये जून में 6 जून का लिखा था, हम यहाँ से महीना भी आगे बढ़ा सकते हैं, मंथ भी है, जुलाई है, तो हमें जुलाई में कोई सी डेट डालने से 1 जुलाई डाल देता हूँ। 1 जुलाई को मान लीजिए हमने TS में सुधराई है हमारे इंजीनियर साहब अधिकारी से, तो अब ये 1 तारीख डाल दी। यहाँ चूज फाइल हमें पता ही है जो उससे नई फाइल है, तो हम इस पे चूज पे क्लिक करके नई फाइल यहाँ से डाल देंगे। मान लीजिए यहाँ नई, मैं बिल्कुल दोस्तों लाइव दिखा रहा हूँ इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, तो जिससे आपको पूरा समझ में आए। जैसे मैं न्यू जो TS बनी उसका यहाँ फॉर्मेट डाल देता हूँ, ये दोस्तों डाल दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, ये पूरी फिल कर दी है, अब नई TS यहाँ पर भर दी है, नया अमाउंट डाल दिया है, अब इसके बाद मैं सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो दोस्तों हम देखते हैं क्या स्क्रीन आने वाली है। तो ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे आपको बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत भी नहीं जाएगी। अब देखिए जे ये मेन स्क्रीन आ रही है हमारी, यहाँ साफ साफ लिखा गया दोस्तों सेव्ड सक्सेसफुली है ना, लिखा गया सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब हमारी नई TS जो है वो सेव हो चुकी है, और हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मैनेज हमने TS कर चुके हैं, अब हम फिर से प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर जाते हैं और अब हम जाएंगे एडमिन अप्रूवल, ये सेकंड ऑप्शन है एडमिन अप्रूवल, मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ। ये देखिए जैसे ही क्लिक किया था यहाँ 2 ऑप्शन आया, एड और मैनेज, तो मैं आज मैनेज ऑप्शन समझा रहा हूँ, तो मैनेज पर हम क्लिक करते हैं। जो मैंने अपडेशन ऑप्शन समझा रहा हूँ इसलिए हम मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से अपडेशन करें, किस प्रकार से मॉडिफिकेशन करें हमारे TS इन सब में, तो वही आज हम सीखने जा रहे हैं, तो वही मैं आगे समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल लाइव है, थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा जिससे कि आगे भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल अब देखिए ये लिखा आ गया मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, AS मतलब AS हम मैनेज करने आ रहे, तो एक्टिविटी टाइप में हम लिख देते हैं यहाँ सेलेक्ट करके पब्लिक वर्क्स, और यहाँ कर देते हैं गेट डाटा पर क्लिक। तो ये आ गया, जैसे गेट डाटा करा तो देखिए यहाँ आ गया है, जैसे ये था एक्टिविटी कोड और पशुओं के पानी पीने तो नचनवाना ग्राम पंचायत BH02। अब व्यू से हम AS उसी तरह देख सकते हैं जैसे हमने अभी उसमें देखी थी TS। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ व्यू पे क्लिक किया तो देखिए दोस्तों वो AS आने वाली है। तो ये देखिए
ये बिल्कुल आ रहा है। एक्टिविटी नेम प्रपोज का जैसे 8000 आ रही है, टेक्निकल अप्रूवल का सभी हमने 12000 कर दिए, ये दिख रहा है। अब देखिए यहाँ फाइनेंस कमीशन भी आ रहा है, ये 15 फाइनेंस कमीशन लिखाने लगा है दोस्तों। यहाँ पर स्कीम नेम में फंड एलोकेशन डिटेल्स फ्रॉम अप्रूव्ड एक्शन प्लान, बेसिक ग्रांट लिखा रहा है, 8000 लिखाना, ये एक्स भी मतलब 15 है ना, एक्स 10 को रिप्रेजेंट करता है और ये वी मतलब 5 हो, तो ये 15 फाइनेंस कमीशन का लिखाने लगा है। बेसिक ग्रांट ये अलॉटेड अमाउंट इतना था, ये सब आ रहा है, ये पूरा लिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब हम यहाँ अभी एडमिन अप्रूवल 8000 थी हमारी पिछला दिखा रहा है, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, ये पिछला हमने पूरा देख लिया, अब हम इसको चेंजेस जो कर रहे हैं वो देखने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, ये फिर से प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर जाते हैं, ये होम स्क्रीन पर वापस भेज देता, तो फिर से हम प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर जाते हैं, इसके बाद एडमिन अप्रूवल और फिर मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये फिर से आता है, हम एक्टिविटी टाइप सेलेक्ट करते हैं पब्लिक वर्क्स, और यहाँ पर गेट डाटा पर क्लिक कर देते हैं। गेट डाटा पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमने जितने भी टीएस कर चुके हैं वो हमारे सामने ऑप्शन दिख जाएंगे, ये देखिए जैसे ये दिख रहा है ऑप्शन, टीएस करी हुई चीज़ें ही एएस के लिए दिखेंगी दोस्तों। यदि हमने नॉट रिक्वायर्ड फील्ड में क्लिक कर दिया है कि टीएस रिक्वायर्ड नहीं है तो वह एक्टिविटी हमारी एएस में भी नहीं दिखेगी, केवल जिनकी टीएस करी जिन कार्यों की वो ही एएस में दिखेगी, तो ये अलग कार्य फिर दिखने लगा है। अब दोस्तों मैं इसके मॉडिफाई ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, तो यहाँ लिखा गया आर यू श्योर यू विश टू मॉडिफाई डिटेल, तो मैं करता हूँ ओके। अब देखिए जैसे ही मॉडिफाई लिखा तो यहाँ लिखा रहा है एक्टिविटी नेम, ये आ रहा है पशुओं के पानी पीने के संरक्षण, प्रपोज कास्ट हमने कर दी 8000। अब ये देखिए ये फंड एलोकेशन डिटेल्स फ्रॉम अप्रूव्ड एक्शन प्लान, ये हमने करा था इसको 8000 है ना, 15 फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट से इतना किया था 8000। एडिट फंड एलोकेशन डिटेल, अब हम यहाँ से एडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ से यदि हमें कोई सी योजना भी चेंज करना है तो हम उससे भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए फंड एलोकेशन डिटेल, यदि मान लीजिए हमने 14 फाइनेंस कमीशन से किया था, अब हम चाह रहे हैं कि और भी कोई सा, जैसे मान लीजिए ओन फंड हमारे स्वयं की जो आय इससे करना है तो इसको भी क्लिक कर सकते हैं, है ना। और इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही योजना से हम, जैसे मान लीजिए ये 14 फाइनेंस कमीशन के बेसिक ग्रांट से मैंने इसको 8000 दिए थे, अब मैं चाहूँ तो यहाँ 8 रो पे क्लिक करूँ, ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसमें लिखा है यू कैन नॉट, अभी इसमें लिखा रहा है दोस्तों यू कैन नॉट चेंज स्कीम मेनी टाइम, इट इज ऑलरेडी चेंज वन टाइम, तो यदि एक बार चेंज करी तो बार बार चेंज हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जैसे 14 फाइनेंस कमीशन को हमने ले लिया एडिट फंड एलोकेशन डिटेल में, तो यहाँ हम एलोटेड अमाउंट 8000 है, अब यहाँ भी 8000 है, तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों इसको यहाँ से चेंज करते हैं, ठीक है। एडिट फंड एलोकेशन यहाँ हम इसको अब कर देते हैं, जैसे मैंने 12000 टीएस करी थी तो 12000 ही एलोकेट कर देंगे, जैसे इधर 12000 लिखा तो यहाँ अपने आप 12000 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ से स्कीम चेंज कर सकते हैं, यदि कोई से दूसरी करना चाहें तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब चलिए 12000 यहाँ लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया 12000। अब हम इसका थोड़ी डेट, ये एडमिन अप्रूवल ये भी चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 256 कर दिया मैंने, एडमिन अप्रूवल इश्यूइंग अथॉरिटी तो जो ग्राम पंचायत रहती है, जैसे अभी इसमें ग्राम पंचायत ही, एडमिन अप्रूवल आर्डर डेट को हम चेंज कर सकते हैं, ये देखिए मैं चेंज कर देता हूँ जुलाई में, जैसे जुलाई में यहाँ था तो मैं इसको जैसे 5 जुलाई कर देता हूँ, और एडमिन अप्रूवल कास्ट अब 12000 हो गई, ये हम एडमिन मतलब एएस को हम चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। अब अपलोड एक्टिविटी आर्डर अटैच फाइल, तो मैं यहाँ से चूज फाइल करके वो फाइल लगा देता हूँ जो मैंने मैनुअली चेंज कर चुका हूँ, मतलब हार्ड कॉपी में हमें पहले चेंज करना होगा एएस को, टीएस को, एएस को, सबको, तब जाके हमें यहाँ चेंजेस करना है, तो वही फाइल जो हमने एएस हार्ड कॉपी में चेंज करके रखी है उसको मैं यहाँ से स्कैन करके अपलोड कर देता हूँ, ये देखिए ये भी मैंने फॉर्मेट सेव करके रखा, तो मैं इसको ओपन करके यहाँ सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों मैंने चेंजेस कर दिए, यहाँ चेंजेस करने पड़े हैं बस, और इसका यहाँ अप्रूव अपना लिखा गया, और यहाँ चेंजेस करा ऑर्डर नंबर और डेट को चेंज कर दिया, और चूज फाइल नहीं कर दी है, नहीं लगा दिए यहाँ चूज फाइल। अब मैं सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए मैंने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया, तो ये देखिए जैसे ही सेव ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब हमारी जो एएसबी है वो भी सक्सेसफुली सेव्ड हो चुकी है। मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ, तो अब दोस्तों हम फिर से होम स्क्रीन पर आ जाते हैं, होम पर क्लिक करके हमने अभी तक टीएस को चेंज कर चुके हैं और एएस को चेंज कर चुके हैं, अब हम जाते हैं फंड्स गियर मार्क पर, ठीक है दोस्तों। ये अभी तक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज इसका सॉल्यूशन भी आपको लगभग मिल जाएगा। पहले टेक्निकल अप्रूवल हम कर चुके हैं, एडमिन अप्रूवल, टेक्निकल अप्रूवल में मैंने सीख चुके हैं, इसके बाद हम एडमिन अप्रूवल में मैंने सीख चुके हैं, अब हम जा रहे हैं फंड्स ईयर मार्क पर। अब फंड्स ईयर मार्क में हम कहाँ जाएंगे, मैनेज ऑप्शन पर, ठीक है।
तब हम ये मैनेज ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया मैनेज ऑप्शन पर। ठीक है, मैनेज ऑप्शन पर हमने क्लिक कर लिया। मैनेज फंड शेयर मार्क लिखा रहा है, यहाँ हम एक्टिविटी टाइप में सेलेक्ट करते हैं पब्लिक वर्क्स, और यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ गेट डाटा पर। अब ये हम आज ये सीखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से हम फंड ईयर मार्क को मैनेज कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये आ गया सीरियल नंबर ए, प्लान ईयर आ गया 2020, ये एक्टिविटी कोड आ चुका है, एक्टिविटी नेम आ गया पशुओं के पानी पीने तो संरचना निर्माण। अब यहाँ रिलीज फंड लिखा रहा है, हम रिलीज फंड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करा तो यहाँ लिखा आ गया आर यू श्योर यू विश टू मॉडिफाई डिटेल्स, तो मैं क्लिक करूंगा ओके पर। ये मैंने ओके पर क्लिक किया। अब हम आज देखते हैं दोस्तों जीरो किस प्रकार से हटेगा, थोड़ा सा वो समझ ही लेते हैं आज। अब ये लिखा रहा है मैनेज फंड्स ईयर मार्क, तो ये देखिए ये पूरी डिटेल आ चुकी है यहाँ। ये प्लान ईयर लिखा रहा है 2020-21 फंड्स ईयर मार्क, डेट लिखी आ रही है 8/6/2020, ऑर्डर नंबर लिखा रहा है फंड्स ईयर मार्क। अब यहाँ टोटल रुपीज आ रही है 8000। यहाँ व्यू ऑप्शन पर हम व्यू कर सकते हैं कि हमने क्या फंड्स ईयर मार्क किया था। चलिए मैं पहले व्यू ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया व्यू फंड रिलीज पर, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ लिखा गया प्लान ईयर, ये लिखा गया है फंड्स ईयर मार्क, ऑर्डर नंबर आ गया है, मेन डेज आ गया है, फंड्स ईयर मार्क ऑर्डर डेट लिखी आ गई, व्यू फंड डिटेल्स तो ये आ गया है, स्कीम नेम 14 फाइनेंस कमीशन, बेसिक ग्रांट, फंड्स ईयर मार्क कितना इन जनरल 8000 रुपये, टोटल 8000, टोटल फंड ईयर मार्क 8000 आ गया। तो ये व्यू ऑप्शन से हम व्यू देख सकते हैं हमने पुराना क्या फंड्स ईयर मार्क किया था। अब मैं क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और अब हम जाएंगे मैनेज ऑप्शन पर। अब देखिए दोस्तों जैसे क्लोज पर क्लिक किया तो वापस इसने होम पेज पर ला दिया। हम वापस से जाते हैं प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, फंड्स ईयर मार्क और मैनेज ऑप्शन पर। मैनेज फंड्स ईयर मार्क, एक्टिविटी टाइप, यहाँ फिर मैंने पब्लिक वर्क सेलेक्ट किया और यहाँ गेट डाटा पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये फिर रिजल्ट आ गया, ये पूरा लिखा आ गया है। अब हम यहाँ पर रिलीज फंड पर क्लिक करते हैं, तो ये वही लिखा आ गया आर यू श्योर यू विश टू मॉडिफाई डिटेल्स, मैं ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ये सारी डिटेल्स आ गई हैं इसकी। अब हमने यहाँ व्यू ऑप्शन पर जाकर व्यू पे देख लिया था हमने कि हमने पहले क्या फंड्स ईयर मार्क किया था, वो पूरा यहाँ से हमने देख लिया है। अब हम मॉडिफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका फंड्स ईयर मार्क मॉडिफाई करेंगे। ये देखिए मॉडिफाई ऑप्शन लिखा है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ मॉडिफाई पर, तो यहाँ लिखा गया आर यू श्योर यू विश टू मॉडिफाई डिटेल्स, मैं ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ लिखा गया मॉडिफाई फंड ईयर मार्क, एक्टिविटी नेम लिखा गया, प्रपोज अमाउंट जो हमने पहले दिया था 8000 इसको वो लिखा गया, फंड्स ईयर मार्क डिटेल पूरी आ गई, फंड्स ईयर मार्क ऑर्डर नंबर आ गया, यहाँ फंड्स ईयर मार्क ऑर्डर डेट आ गई है किस डेट पर हमने किया था, यहाँ पूरा लिखा गया सीरियल नंबर 14 फाइनेंस कमीशन, ये स्कीम आ गई है, स्कीम कंपोनेंट आ गया, बेसिक ग्रांट, फंड एलोकेटेड अब हमने कितना कर दिया है 12000, क्योंकि हमने टीएस और एएस को चेंज कर दिया, हमने क्या कर दिया है टीएसएस 12000, और कम्युनिटी फंड जो हमने दिया था वो कितना दिया था 8000 दिया था, 8000 प्रपोज किया था, ये कम्युनिटी फंड मतलब हमने प्रपोज किया था। यहाँ जो फंड एलोकेटेड है टीएसएस जो अभी हमने चेंज कर दिया उसका आ रहा है, हमने 12000 कर दिए, चेंजेस कर दिए हैं तो ये आ रहा है, ये फंड एलोकेटेड जो था कम्युनिटी फंड 8000 आ रहा है। आप ये देखिए फंड्स ईयर मार्क हमने क्या किया था पिछली बार 8000 है ना, सब में 8000 किया था हमने, टीएसएस फंड्स ईयर मार्क सब 8000 किया था, तो ये फंड्स ईयर मार्क में यहाँ 8000 दिख रहा है। अब हमने टीएसएस को तो 12000 कर दिया, अभी फंड्स ईयर मार्क क्या दिख रहा है 8000। अब दोस्तों देखिए मैं यहाँ से आपको बिल्कुल सिंपली तरीके से बताऊंगा अभी तक जो जीरो लिखा रहा था वो किस तरह से सॉल्व हो जाएगा। देखिए जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ क्या लिखा रहा है जीरो, और यदि मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करता हूँ, ये देखिए मैंने जीरो से यदि एक भी लिखा तो यहाँ लिखा जाएगा एंटर्ड वैल्यू शुड बी लेस देन द अवेलेबल फंड जीरो, ये लिखा रहा है। अब देखिए हम इसी का सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से होगा। ये देखिए मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, अभी मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये अवेलेबल फंड में जीरो ही आ रहा है। ठीक है, ये अवेलेबल फंड में जीरो आ रहा है। अब देखिए इसको कैसे चेंज करना है, मैं अभी बाहर क्लिक कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है दोस्तों, चूंकि हम मैनेज कर रहे हैं तो हमें फंड्स ईयर मार्क ऑर्डर नंबर भी चेंज करना होगा। जैसे हमने टीएसएस नंबर चेंज किया इसलिए यहाँ भी हम चेंजेस कर रहे हैं। जैसे मैं 25 आगे और लिख देता हूँ, फंड्स ईयर मार्क ऑर्डर नंबर मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पर फंड्स ईयर मार्क ऑर्डर डेट भी हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ये फंड्स ईयर मार्क की ऑर्डर डेट भी मैं जुलाई की चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैं 10/7/2020 ये चेंज कर दिया। तो मैंने क्या चेंज किया, यहाँ फंड्स ईयर मार्क डिटेल में फंड्स ईयर मार्क ऑर्डर नंबर चेंज किया, आगे दो अंकों लिख दिए, यहाँ फंड्स ईयर मार्क ऑर्डर डेट दिनांक भी चेंज कर दी मैंने यहाँ जाके। अब दोस्तों हम यहाँ जाके क्लिक करते हैं, ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ अवेलेबल फंड
मेरा आ चुका है जो कि मेरे पंचायत खाते में है। ये देखिए आ गया 9,34,072 रुपए। ठीक है दोस्तों, अभी तक ये जीरो शो कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ चेंजेस किए फंड्स ईयरमार्क डिटेल में, जैसे यहाँ चेंजेस किए फंड्स ईयरमार्क आर्डर नंबर और फंड्स ईयरमार्क आर्डर डेट, ये दोनों जैसे ही चेंज किए दोस्तों, तो फंड्स ईयरमार्क भी यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर रहे हैं हम, तो हमारा अवेलेबल फंड पूरा जो पंचायत खाते हैं वो आ रहा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप मैनेज करें फंड्स ईयरमार्क तो ये जरूर चेंज कर दीजिए, फंड्स ईयरमार्क आर्डर नंबर और फंड्स ईयरमार्क आर्डर डेट, ये दोनों हमें चेंज करना है, तभी हम जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए अवेलेबल फंड 9,34,072 आ रहा है। मतलब अवेलेबल फंड जो रहेगा वो जीरो सेट के हमारा जो मेन बैलेंस है हमारे पंचायत खाते वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो दोस्तों देखिए आज हमारा जो जीरो प्रॉब्लम जो आ रही थी बार बार हमें अवेलेबल फंड जीरो वाली, वो यहाँ से हमारी सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों ये इसलिए सॉल्व हो गई है क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने फंड ईयरमार्क किया भी है और आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप जैसे ही मैनेज करेंगे यहाँ से, तो यहाँ अवेलेबल फंड रुपीज जो जैसे ही आप ये मैनेज करेंगे, तो यहाँ आप जैसे चेंजेस करेंगे फंड ईयरमार्क आर्डर नंबर और फंड ईयरमार्क आर्डर डेट जैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आपका अवेलेबल फंड पूरा जो भी आपके पंचायत खाते हैं वो शो होने लगेगा। देखिए अब मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने TSS 12,000 करी है, तो मैं यहाँ भी 12,000 कर देता हूँ और आराम से हो गए। ये देखिए ये मैंने 12,000 कर दिया, अवेलेबल फंड 9,34,072 है और यहाँ टोटल रुपीज फंड ईयरमार्क 12,000 आ गया। देखिए यहाँ भी लिखा है टोटल फंड ईयरमार्क 12,000। तो दोस्तों आज हमने सीख लिया फंड ईयरमार्क भी कैसे चेंज होता है और कैसे अवेलेबल फंड जीरो को हटाना है हमें। अब मैं क्लिक करने जा रहा हूँ सेव ऑप्शन पर, ये देखिए मैं क्लिक करने जा रहा हूँ सेव, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिएगा, आपकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल यहाँ पर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि ये फंड ईयरमार्क से डिटेल जब आप मॉडिफाई करें तो इसमें फंड ईयरमार्क आर्डर नंबर को आपको चेंज करना पड़ेगा और एस्टिमेटेड मेन डेज डालना है यहाँ पर, मेन डेज का ऑप्शन और आ गया, तो आपको मेन डेज वो डालना है यहाँ पर, जितने भी मानव दिवस होते हैं आपके कार्य करने के लिए वो डालना है। फंड ईयरमार्क आर्डर डेट भी हमें चेंज करना है, फंड ईयरमार्क आर्डर डेट जरूर चेंज करना है, उसके बाद ही दोस्तों यहाँ हमें कार्य करना है। ये पूरी देखिए पूरी डिटेल आ गई है, ये जो हमने फंड ईयरमार्क आप कितना कर दिया है 12,000 है ना, पहले 8,000 था, हमने 12,000 कर दिया है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ये अभी जीरो आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से चेंज करते हैं कोई सा भी इसका फंड ईयरमार्क नंबर और यहाँ से डेट यदि चेंज करते हैं, तो क्या होता है यहाँ जो अवेलेबल फंड है वो आने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा है फंड ईयरमार्क को किस प्रकार से अपडेट किया जाए, तो ये टोटल फंड ईयरमार्क आ गया है। अब मैं सेव ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ही सेव ऑप्शन पर क्लिक किया तो अब हमारे सामने मैसेज आने ही वाला है, हम देख लेते हैं क्या मैसेज आता है। बिल्कुल क्योंकि मैं लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ लिखा गया डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब जो हमारा फंड ईयरमार्क था वो भी सक्सेसफुली सेव हो चुका है, सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों क्या हुआ, आज हमने यह देख लिया कि यदि हमारे TS, AS और फंड ईयरमार्क, तो यदि मान लीजिए हमने कोई सा काम शुरू किया और बाद में लगा कि TS जो है हमें ज़्यादा पैसे की बनवाना है, तो हमने हार्ड कॉपी में जैसे इंजीनियर साहब से हार्ड कॉपी में इसको ज़्यादा अमाउंट की बनवाई और फिर हमें उसको इस पोर्टल पर अपडेट करना है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर, तो वो किस तरह से अपडेट कर सकें। तो दोस्तों ऐसे ही हमने TS अपडेट करना सीखा, फिर AS अपडेट करना सीखा, और जब TS हम दोस्तों जैसे मान लीजिए बढ़ा के हम TS कर रहे हैं, तो फिर फंड ईयरमार्क में भी हमको फंड जो रिलीज करना पड़ेगा वो ज़्यादा का ही करना पड़ेगा जितने की TS AS हुई है। तो दोस्तों हमने आज यहाँ तीनों ऑप्शन सीख लिए कि किस प्रकार से हम TS को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, AS को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए हम कहाँ गए थे, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर, और यहाँ से टेक्निकल अप्रूवल में गए थे मैनेज ऑप्शन पर, उसके बाद दोस्तों हमने एडमिन अप्रूवल से मैनेज ऑप्शन पर क्लिक किया था, फिर फंड ईयर मार्क से मैनेज ऑप्शन पर क्लिक किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या हुआ, तीनों चीज़ों को जो मैनेज करना है, मॉडिफाई करना है या अपडेटेड करना है, वो आज हमने यहाँ से सीख लिया। तो ठीक है दोस्तों, और मैंने जैसा आपसे सभी से कहा ही है कि जैसे भी न्यू अपडेट आता है मैं आपको बिल्कुल बताते रहूँगा। दोस्तों मैं अभी 15वें वित्त के पेमेंट से रिलेटेड भी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्दी 4 से 5 दिन में मैं ये वो वीडियो भी पोस्ट करने वाला हूँ, जिससे आप 15वें वित्त से संबंधित पेमेंट भी किसी कार्य पर
कर पाएंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, और आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है। आप ज्यादा ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे हर व्यक्ति को हर सॉफ्टवेयर हर न्यू अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहे। और ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, जिससे मैं आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।